बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 59 रूक्स क्यूटेनियस म्यूसिनोसिस स्टार्टिंग फ्रॉम डी माइक्सेडिमा इन थायराइड डिजीज। लोकलाइज प्री टिबियल माइक्सेडिमा, बेसिकली इट्स एन इन्फिल्ट्रेटिव डर्मोपैथी ड्यू टू म्यूसिन डेपोजिशन यूजुअली अराइजिंग ऑन शींस। इट इज़ वन ऑफ द साइन ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म, स्पेशली ग्रेव्स डिजीज। बेसिकली म्यूसिन इज अ नॉर्मल कंस्टिट्यूट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस्ड बाय द फाइब्रोब्लास्ट। इट्स एक्सेस कॉजेज द माइक्सेडिमा इन द हाइपर थायराइड पेशेंट्स, मेनली द ग्रेव्स डिजीज। और जो है फिर इसको हम लोग थायराइड डर्मोपैथी भी कहते हैं और इन्फिल्ट्रेटिव डर्मोपैथी भी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी जो है इसकी, ये 1 to 5% विद ग्रेव्स डिजीज के साथ एसोसिएटेड है और 25% हैविंग एक्सोफ्थेल्मोस। मतलब ग्रेव्स डिजीज पेशेंट जिसमें एक्सोफ्थेल्मोस जो है वो प्रोमिनेंट सिम्टम्स होगा, उनमें 25% जो है वो इसका इंसिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। और मेन टू वुमेन रेशियो अगर हम देखें वो 3:1 है। वुमेन जो है वो मोर प्रोन टू दिस डिजीज। पीक एज जो है वो थोड़ा सा लेट एज है, वो 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज पे ये कॉमन है। पैथोफिजियोलॉजी जो है इस पैराग्राफ में थोड़ी हैजर्ड दिखी हुई है। इसमें बोला है कि जो द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन एक्सप्रेशन बाय नॉर्मल डर्मल फाइब्रोब्लास्ट सजेस्ट दैट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडी में स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिन फ्रॉम डी सेल्स। ये मैं आपको एक चार्ट के थ्रू जो है वो समझाती हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है बेसिकली, इसमें आप लोग देख सकते हैं जैसे जो थायराइड स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर एंटीबॉडीज हैं वो जाके प्रोड्यूस करेगा म्यूसिन फ्रॉम द फाइब्रोब्लास्ट। और म्यूसिन जो है वो इतना एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि वो डर्मिस में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो जो ये सारे सेंटेंस मैंने रीड किया उसमें यही है, जो थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज है ना वो प्रोड्यूस करेगा म्यूसिन फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट एबनॉर्मली इंक्रीज अमाउंट में। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है जो साइटोकाइन सच एज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड इंटरफेरॉन सिक्रेटेड बाय हेल्पर टी सेल 1 लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड बाय थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीजन कुड आल्सो इंड्यूस ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकिन सिंथेसिस फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट। मतलब ये कि जो TSH हार्मोन है वो एबनॉर्मली जो इंक्रीज हुआ हुआ है तो वो जाके साइटोकाइंस लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड इंटरफेरॉन गैमा इंड्यूस करेगा गैग सिंथेसिस फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट। जो ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकेंस है वो एबनॉर्मली जब इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से म्यूटेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वो एबनॉर्मल जो है वो डर्मिस में एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर फाइब्रोब्लास्ट ऑफ द लोअर डर्मिस आर मोर सेंसिटिव टू दीज फैक्टर्स। जो फाइब्रोब्लास्ट ऑफ डर्मिस है ना वो जो साइटोकाइंस है और इस तरह कि जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है उसके ज़्यादा सेंसिटिव है। जब वो इंक्रीज करेगा तो फाइब्रोब्लास्ट जो एबनॉर्मली म्यूसिन प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। फिर जो आखिर में लिखा हुआ है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 रिसेप्टर एंटीबॉडीज ट्रॉमा टोबैको लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कैन ऑल्सो प्ले रोल्स। मतलब मेन रोल जो है वो TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज हैं जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे म्यूसिन एक्सेस अमाउंट में। साइटोकाइंस थे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इंटरफेरॉन गैमा वो इंक्रीज कर रहे थे। और जो है फिर यहाँ पे ये बताया कि ये भी कर सकते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एंटीबॉडीज ट्रॉमा टोबैको लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह जो है ये भी इसकी पैथोजेनेसिस में वो कॉज करवा सकती है। पैथोलॉजी जो है वो हम लास्ट में सबकी डिस्कस करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी सबकी एक साथ, ताकि ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट हमें समझ आए। क्लिनिकल फीचर्स में इसका ये है कि प्री टिबियल मैक्सेडिमा इज वन ऑफ द साइन ऑफ ग्रेव्स डिजीज। जो ग्रेव्स डिजीज है उसके बाकी जो एक्सोफ्थेल्मोस उस तरह के साइंस के साथ साथ एक साइन ये भी है प्री टिबियल माइक्सेडिमा, ठीक है। और जो है इसमें बायलेटरल थिकनिंग एंड इन ड्यूरेशन ऑफ द स्किन हो जाती है ऑन शिन्स एंड डॉर्सम ऑफ द फीट, ठीक। इसमें जो है वो थिकनिंग हो जाती है और इन ड्यूरेशन ऑफ द स्किन हो जाती है, म्यूसिन डेपोजिशन हो जाती है एबनॉर्मली, ठीक है। फिर जो है दी फोर इसके क्लिनिकल वेरिएंट्स हैं, उसमें एक डिफ्यूज नॉन पिटिंग एडिमा जो कि सबसे ज्यादा होता है 43%, देन प्लाक टाइप है 27%, देन नोड्यूलर जो है 18%, एलिफेंटेसिस जो है वो 5%, ठीक है, जो सिवियर फॉर्म है उसका, और उसमें प्रोग्नोसिस भी जो है वो अच्छी नहीं होती। फिर जो है इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स है जो हमने पढ़े कि थिकनिंग इन ड्यूरेशन ऑफ स्किन होगी, उसके साथ साथ
इसमें ऑरेंज पील अपेयरेंस भी होगी, जैसे उसके फॉलिकल्स को इन्वॉल्व करेगा तो ऑरेंज पील लाइक अपेयरेंस देगा, जैसे इस डायग्राम में आपको शो हुआ हुआ है। और टोज, थाइस एंड अपर एक्सट्रीमिटीज में ऑल्सो भी इन्वॉल्व, फेस भी, ठीक है। सिर्फ जरूरी नहीं कि शिन्स इन्वॉल्व हो, टोज, थाइस, अपर एक्सट्रीमिटीज, फेस भी इन्वॉल्व हो सकती है। और दूसरा जो है, जिस जगह पे ये होगा ना म्यूसिन डेपोजिशन, वहां पे हाइपर हाइड्रोसिस और हाइपर ट्राइकोसिस में ऑल्सो भी एसोसिएटेड। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसके आते हैं लाइकन सिंप्लेक्स क्रॉनिकस, हाइपरट्रॉफिक एलपी और लिम्फेडमेटस म्यूसिनोसिस एस सीन इन पेशेंट विदाउट थायराइड डिजीज। मतलब जब हमारे पास एक म्यूसिन डिपोजिशन की पेशेंट आती है जो हम सस्पेक्ट करते हैं कि उसकी थिकनिंग है शिन्स पे, तो उसमें हमें ओबेसिटी को भी माइंड में रखना चाहिए, जिसमें लिम्फेडमेटस म्यूसिनोसिस भी होती है लेकिन वो थायराइड के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। तो इन पेशेंट में हम लोग थायराइड टेस्ट करवा के उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में इसकी मॉर्बिडिटी इज नॉट सिवियर एक्सेप्ट फॉर दी पेशेंट ऑफ एलिफेंटेसिस, ठीक है। मतलब इसकी जो है, अगर हम इसको अर्ली डायग्नोज करें, थायराइड को ट्रीट करें, तो इस ये जो है डिजीज की प्रोग्नोसिस जो है वो सिवियर नहीं है, एक्सेप्ट फॉर एलिफेंटेसिस, जो कि एक बहुत सिवियर इसकी वो है, वेरियंट है, और उसमें मॉर्बिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा इसमें एक बताया हुआ है कि अगर जो है इंट्रैपमेंट ऑफ पेरोनियल नर्व्स हो जाए म्यूसिनोसिस कनेक्टिव टिश्यू में, तो उसकी वजह से फुट ड्रॉप जो है और फॉल्टी डोर्सिफ्लेक्शन भी हो सकती है। मतलब कि वो अगर डर्मिस को इतना इन्वॉल्व करे कि म्यूसिन डेपोजिट इतना डीप चला जाए कि वो नर्व को जो है इंट्रैप करे, तो उसकी वजह से फुट ड्रॉप और फॉल्टी डोर्सिफ्लेक्शन हो जाएगा। लैब्स में जो है उसमें हम TSH कराएंगे जो कि लो होगा, और थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज जो है वो एलिवेटेड होंगे। ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में हम आते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले है, हम रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज कर देंगे, उसमें रिड्यूस करेंगे वेट को, टोबैको यूज को, और नॉर्मलाइज करेंगे थायराइड फंक्शन को। इन सबको ट्रीट करेंगे फिर ही हम इसके मैनेजमेंट में जा सकते हैं। अगर ये सब कम नहीं होंगे तो हमें रिजल्ट्स जो है उस तरह से नहीं मिल सकते। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम लोग उसमें मीडियम टू हाई पोटेंसी टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करेंगे विद कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स, ठीक है, स्टेरॉइड ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, और स्टॉकिंग ताकि वो एडिमा को और एग्रीवेट ना कर ले। सेकेंड लाइन में जो है उसमें वो तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास पेशेंट एलिफेंटेसिस में चला गया हो। देन ऑप्शंस हमारे पास रिटुक्सिमैब है, प्लाज्माफेरेसिस है, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन एंड ऑक्ट्रियोटाइड है, ठीक है। और जो है थर्ड लाइन जो है इसमें वही है, लेकिन जो है वो हम सेम है, सेकेंड लाइन ओनली यूज फॉर एलिफेंटेसिस। फिर नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है पेपुलर एंड नोड्यूलर म्यूसिनोसिस इन कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। इसमें क्या है, जो स्किन कलर्ड पेप्यूल्स, नोड्यूल्स एंड प्लाक लाइक लीजन्स ऑन द ट्रंक एंड अपर एक्सट्रीमिटीज में अकंपनी और इवन एंटीडेट आ कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। जिस जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहे हैं ना कि पेपुलर एंड नोड्यूलर म्यूसिनोसिस इन कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, तो वही ये स्किन कलर पेप्यूल्स होंगे, नोड्यूल्स या प्लाक भी हो सकते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज और ट्रंक को इन्वॉल्व करेगा। और जो कनेक्टिव टिश्यू जो इसके साथ डिजीजेस एसोसिएटेड है, उसमें ल्यूपस एरिथेमेटोसिस आएगा, और या फिर डर्मेटोमायोसाइटिस और स्क्लेरोडर्मा। फिर इसकी जो है इंसिडेंस वही 1.5% जो है ऑफ पेशेंट जो है विद ल्यूपस एरिथेमेटोसिस इन फोर्थ एंड फिफ्थ डिकेड ऑफ लाइफ, और जो है प्रीडोमिनेंस जो है इसमें एडल्ट मेल्स इन्वॉल्व होंगे। पैथोफिजियोलॉजी वही है, जो इंक्रीज्ड ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेंस है और बाय प्रोडक्शन बाय डर्मल फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। और वही साइटोकाइन जो कि मैंने पहले मैक्स एडिमा इन थायराइड डिजीज में एक्सप्लेन किया कि वही गैग्स ज्यादा हो जाएंगे तो म्यूसिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, और बाय फाइब्रोब्लास्ट, और साइटोकाइंस जो है वो भी इंक्रीज कर रहे थे। और दूसरा इसके साथ जो है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस एसोसिएटेड है इम्यून रिस्पॉन्स में, जो HLA-B8 एंड HLA-D3 हेप्लोटाइप्स जो है वो इसके पैथोजेनेसिस में एसोसिएटेड हो सकते हैं। पैथोलॉजी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और क्लिनिकल फीचर्स जो है इसके वही है कि पेपुलर और नोड्यूलर म्यूसिनोसिस एसोसिएटेड विद ल्यूपस एरिथेमाटोसिस, और दूसरा जो पेपुलर एंड नोड्यूलर जो है म्यूसिनोसिस विद डर्मेटोमायोसाइटिस, और जो थर्ड है वही हमने बोला कि इट मे बी एसोसिएटेड विद स्क्लेरोडेमा। वो क्लिनिकल फीचर्स हमने ऊपर डिस्कस किया, तो पेप्यूल्स होंगे, नोड्यूल्स होंगे या प्लाक होंगे, उसके साथ कोई भी एक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज जो है वो एसोसिएटेड हो सकते हैं।
फिर मैनेजमेंट में जो है सेम फॉर दी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, जब डिजीज ट्रीट करेंगे फिर ही जो है ये खुद जो रिजॉल्व हो जाएगा। वैसे हम मैनेजमेंट में इसके सनस्क्रीन यूज करते हैं, और दूसरा जो है टॉपिकल और इंट्रालेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर सकते हैं, तो ओरल टेक्रोलिमस है, एंटी मलेरियल्स हैं, और सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर डिजीज सिवियरिटी की तरफ जा रही हो। फिर जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ हीलिंग क्यूटेनियस म्यूसिनोसिस। जैसे सेल्फ हीलिंग इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसको जो है ट्रीटमेंट की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती, डिजीज हील स्पॉन्टेनियसली, लेकिन ये जो है वो अफेक्टिंग यंग पीपल विद ट्रांजिएंट क्यूटेनियस लीजन एंड माइल्ड इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स। बेसिकली ये जो है यंग पीपल सेल्फ हीलिंग जुवेनाइल क्यूटेनियस म्यूसिनोसिस इज अ रेयर डिजीज ऑफ अननोन एटियोलॉजी, लेकिन इसकी जो है जो पैथोजेनेसिस है वही होगी जो म्यूसिन की इंक्रीज प्रोडक्शन है फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अननोन एटियोलॉजी यंग पेशेंट्स में होगा, बस ये याद रखना है। और इसका जो है क्लिनिकल फीचर्स में एक वो है, इसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है जिसके 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो क्राइटेरिया में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें एक्यूट इरप्शन ऑफ मल्टीपल पेप्यूल्स एंड सम टाइम द लीनियर इनफिल्ट्रेटेड प्लाक्स ऑन द फेस एंड नेक स्कैल्प एब्डोमेन एंड थाइस। ठीक है, एक्यूट इरप्शन होगी पेप्यूल्स की इन लीनियर इनफिल्ट्रेटेड प्लाक फॉर्म में, किधर? फेस, स्कैल्प, एब्डोमेन एंड थाइस पे। जो सेकेंड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है जो म्यूसिनस सब्सटेंस सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स ऑन द फेस विथ पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। ठीक है, पहले में पेप्यूल थे, नेक्स्ट में नोड्यूल्स आ गए, एंड ऑन पेरी आर्टिकुलर एरियाज ऑफ द लिम्स विच समटाइम आर द प्री डोमिनेंट लीजन्स। जो थर्ड है उसमें सिस्टेमिक सिम्टम्स सच एज फीवर, अर्थ्रेल्जिया, वीकनेस एंड मसल टेंडरनेस इन द एब्सेंस ऑफ पैराप्रोटीनीमिया, बोन मैरो प्लाज्मा साइटोसिस एंड थायरॉयड फंक्शन। जो फोर है उसमें है स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन इन अ पीरियड ऑफ रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू वीक्स टू मेनी मंथ्स, यूजुअली फ्रॉम 2 to 8। ठीक है, अब इस क्राइटेरिया को कैसे याद रखना है? फर्स्ट में पेप्यूल्स थे इन लीनियर इन्फिल्ट्रेटेड प्लाक्स, उसके साइड्स याद रखने हैं। सेकेंड में नोड्यूल्स प्लस पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग्स थी। थर्ड में सिस्टेमिक सिम्टम्स थे, और फोर्थ में स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशंस फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स। ठीक है, मैनेजमेंट में वही जैसे इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, इट डिजीज ही स्पॉन्टेनियसली एंड एग्रेसिव थेरेपी शुड बी अवॉइडेड। जो नेक्स्ट हमारा है उसमें क्यूटेनियस फोकल म्यूसिनोसिस, इसमें क्या है, ये लोकलाइज्ड फॉर्म है, रिएक्टिव लीजन, ट्रॉमा एक्ट एज अ ट्रिगरिंग फैक्टर। वही ट्रॉमा होगा, साइटोकाइन रिलीज होंगे, एबनॉर्मल म्यूसिन रिलीज करवाएंगे फ्रॉम द फाइब्रोब्लास्ट, और फिर जो है फोकल क्यूटेनियस म्यूसिनोसिस कॉज होगा। जो क्लिनिकल फीचर्स है उसमें सॉलिटरी स्किन कलर्ड पेप्यूल्स है, बाकी इसकी एपिडेमियोलॉजी और इंट्रोडक्शन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स में इसके सॉलिटरी स्किन कलर्ड पेप्यूल और नोड्यूल होगा, और वो सिस्टिक अपेयरेंस भी दे सकता है। ठीक है, एनी वेयर इन द बॉडी बट नॉट ऑन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ जॉइंट्स ऑफ हैंड्स, रिस्ट और फीट, मे बी लाइक अ फाइब्रोमा लाइक और पॉलिप और प्लाक। ठीक है, एक छोटा सा पेप्यूल या नोड्यूल हो सकता है, सिस्टिक अपीयरेंस होगा, कहीं भी हो सकता है बॉडी पे एक्सेप्ट ऑन दी प्रॉक्सिमिटी ऑफ जॉइंट्स ऑफ हैंड्स, रिस्ट और फीट। ठीक है, और जो है ये फाइब्रोमा या पॉलिक लाइक अपीयरेंस भी इसकी हो सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसका एंजियोमाइक्सोमा आएगा। ठीक है, वो क्या है, अ बेनाइन न्यूप्लाज्म विच इज लार्जेस्ट साइज ओवर 1 सेंटीमीटर, और वो शो करेगा सब क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट बाई म्यूसिन इंक्रीज वेस्कुलरिटी। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्यूटेनियस फोकल म्यूसिनोसिस इज नॉट यूजुअली रिलेटेड टू सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, एसोसिएशन वही हाइपोथायरॉयडिज्म एंड मैक्सेडिमा के साथ इसकी हो सकती है, और ट्रीटमेंट में इसका जो है सर्जिकल एक्सीजन है, रिलैप्स इसका अनकॉमन। फिर जो है हमारे पास एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजिटल माइक्सॉइड सिस्ट। जो डिजिटल माइक्सॉइड सिस्ट है वो एक बेनाइन गैंग्लियन सिस्ट के फॉर्म सिस्ट है। ठीक है, दो फॉर्म्स होते हैं इसके, गैंग्लियन टाइप और मैक्सिमेटस टाइप। जो गैंग्लियन टाइप है वो डिराइव होगा फ्रॉम द जॉइंट एंड साइनोवियल सेल्स। ठीक है, जो जॉइंट और साइनोवियल सेल से निकलेगा वो गैंग्लियन टाइप होगा, और दूसरा जो डर्मल बेस्ड फाइब्रोब्लास्ट डिराइव्ड होगा वो मैक्सिमेटस टाइप है। तो इसके दो फॉर्म्स है, गैंग्लियन और मैक्सिमेटस टाइप। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स जो है इसका ट्रांसलूसेंट डोम शेप, सॉफ्ट और फ्लक्चुएंट नोड्यूल है, 3 to 10 मिलीमीटर हो सकता है,
डॉर्सम ऑफ द स्किन ऑन डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट फिंगर्स और मे ऑल्सो बी फाउंड ऑन टोज, ठीक है, मे बी स्मूथ और वेरिकस एसोसिएटेड विद ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि जॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ एसोसिएट हो सकता है। सॉफ्ट सा एक नोड्यूल है, डोम शेप फ्लक्चुएंट होगा, ठीक है, एसोसिएटेड विद वही आर्थराइटिस, और वेरिकस भी हो सकता है, स्मूथ भी, जरूरी नहीं कि सिस्ट हो तो स्मूथ ही होगा। फिर मैनेजमेंट में जो सिस्ट है, सिस्ट का तो वही या तो एक्सीजन होगा, एस्पायरेशन कर सकते हैं, स्टेरॉयड इंजेक्शन कर सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए, क्रायोथेरेपी, लेजर या फिर इंफ्रा रेड कोगुलेशन हो कर सकते हैं इसकी। फिर उसके बाद जो है फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस, फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस में पहला हमारे पास जो है वो पिंकस फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस है, जो कि हम लोग पहले इसके उस पे आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। इसमें हमारे पास ये डिवाइड हुआ हुआ है दो पार्ट्स में, फिर हम इसकी पैथोलॉजी भी यही डिस्कस कर लेते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। जो इसका क्लिनिकल फीचर्स है उसमें एक एक्यूट और सब एक्यूट फॉर्म है, उसमें एक्यूट और सब एक्यूट जो है उसमें शार्पली डिमार्केटेड एरिथमेटस प्लाक है विथ फॉलिकुलर प्रोमिनेंस, स्केलिंग, एलोपेशिया, नोड्यूल्स, एनुलर प्लाक, फॉलिकुलाइटिस, फॉलिकुलर स्पाइंस, एक्नी फॉर्म इरप्शंस, एलोपेशिया एरिएटा लाइक प्रेजेंटेशन हैव आल्सो बीन डिस्क्राइब, ठीक है। ये इसके डिफरेंट प्रेजेंटेशन है कि ये नोड्यूल, प्लाक, एक्नी फॉर्म किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। मेन जो इसका ये है कि उसमें फॉलिकुलर प्रोमिनेंस होगी उस एरिया की, स्केलिंग होगी और एलोपेशिया होगा, ठीक है। कहीं भी आप लोगों को फॉलिकल्स नजर आए एक पैच के फॉर्म में एरिथिमा और जो है उस पर एलोपेशिया हुआ हुआ हो तो वो पिंकस फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस जो है उसको एलोपेशिया म्यूसिनोसा जो कहते हैं वो माइंड में रखना चाहिए। जो क्रॉनिक फॉर्म है वो एक लार्ज और मोर न्यूमरस प्लाक होंगे, यही जो प्लाक्स है अगर वो लार्ज होंगे और न्यूमरस हो जाएंगे तो हम उसको क्रॉनिक फॉर्म का नाम देंगे। वो फिर इन्वॉल्व करेंगे एक्सट्रीमिटीज, ट्रंक और फेस पे, और ये एसोसिएटेड है विद क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा, ठीक है। अब जो इसकी पैथोलॉजी है, फिर उसमें लिखा है कि म्यूसिन जो है वो अक्यूमुलेट विद इन द फॉलिकुलर एपिथीलियम, ठीक है। जो म्यूसिन है वो डर्मिस में नहीं, अब फॉलिकुलर एपिथीलियम में जो है वो अंदर उसके एक्यूमुलेट हो गया, एंड सेबिशियस ग्लैंड्स कॉजिंग द केरेटिनोसाइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम ईच अदर। जब म्यूसिन किसी सेल्स के दरम्यान में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो केरेटिनोसाइट तो ऑब्वियस बात है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर फॉलिकल्स आर कन्वर्टेड इंटू जो सिस्टिक स्पेसिस कंटेनिंग म्यूसिन, जो फॉलिकल के अंदर म्यूसिन इतना डिपोजिट हो जाएगा कि वो एक सिस्टिक स्पेस क्रिएट करेगा, उस जाके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी होगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे, और सेल्स कौन से होंगे उसमें, लिम्फोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स एंड इओसिनोफिल्स, ठीक है। म्यूसिन डिपोजिशन जो है वो एपिथेलियम में हो गया, फिर उसमें ये सारे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो हो गए और केरेटिनोसाइट सेपरेट हो गए। फिर जो लिखा हुआ है कि द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द पिंकस फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस एंड माइकोसिस फंगोइडीज एसोसिएटेड फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड देर इज नो सिंगल रिलायबल क्राइटेरिया। मतलब ये कि माइकोसिस फंगोइडीज एसोसिएटेड फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस और पिंकस फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस को हम किसी भी बेस पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो पिंकस फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस है उसके क्लिनिकल फीचर्स में हमने पढ़ा कि इट इज एसोसिएटेड विद टी सेल लिम्फोमा, तो माइकोसिस फंगोइडीज भी टी सेल लिम्फोमा है, और उसमें अगर फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस हो जाती है तो हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। फिर इसके आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस हैज बीन क्वेश्चन, ठीक है, एज इट हैज बीन कंसिडर्ड एज इनडोलेंट लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा। इसको पिंकस फॉलिकुलर्स को हम लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा भी बोल सकते हैं, ठीक। अब जो है इसकी मैनेजमेंट पे आ जाते हैं हम, ये सेल्फ हीलिंग है इन 2 to 24 months पे, और अगर यही नहीं होता तो इसकी इन्फ्लेमेशन, जैसे हमने पैथोलॉजी में पढ़ी कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे उसमें तो इन्फ्लेमेशन होगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर सकते हैं, टॉपिकल, इंट्रालेजनल या सिस्टेमिक, और टॉपिकल रेटिनॉइड्स, टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, टॉपिकल बेंजारोटीन, इमिक्विमोड, टेप्सोन, एंटी मलेरियल, एंडोमेथासिन, मिनोसाइक्लिन, ये सब हम जो है इसके ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, ओरल आइसोट्रिटिनोइन और फोटोडायनेमिक थेरेपी। नेक्स्ट जो है वो अर्टिकेरियल लाइक फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस, अ फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस है ये प्रेजेंट करेगा विद साइक्लिकल इरप्शन ऑफ अर्टिकेरिया लाइक लीजन, जैसे नाम से इंडिकेट कर रहा है तो ये फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस, फॉलिकल्स तो इन्वॉल्व होंगे
और उसके साथ अर्टिकेरिया लाइक जो है वो प्लाक्स भी होंगे। ये हेड पे मेनली इन्वॉल्व होगा, ठीक है, मिडिल एज मैन में, और इसमें कोई सिस्टेमिक जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई एलोपेशिया इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स हम पे हम आ जाते हैं उसमें। इसमें एक तो रिकरेंट प्रोराइटिक अर्टिकेरियल पेप्यूज एंड प्लाक्स होंगे, नाम इंडिकेट कर रहे, तो वो फीचर्स भी होंगे, अर्टिकेरियल पेप्यूज और प्लाक्स प्रोराइटिक होंगे। फेस और नेक एरिया इन्वॉल्व होगा, हेयर बेयरिंग रीजन इन्वॉल्व होगा, बट कोई एलोपेशिया नहीं होगा। जैसे हमने पिंकस फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस में पढ़ा था, उसमें एलोपेशिया था, उसको इसीलिए एलोपेशिया म्यूसिनोजा बोलते हैं, लेकिन इसमें नो सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट, नो एलोपेशिया। फिर जो है इसमें हम लोग जो इन लैब्स इसमें बायोप्सी कर सकते हैं वो हिस्टोपैथोलॉजी फाइंडिंग्स हम पढ़ेंगे अभी। और जो है इसमें बस ये बोला है कि लास्ट अप टू 15 ईयर्स से एंटी मलेरियल एंडेप्सोन हम या एरिबिनी फेशियल जो है वो भी दे सकते हैं, गुड प्रोग्नोसिस है, इट लास्ट अप टू 15 ईयर्स, मतलब टाइम बहुत कंज्यूमिंग है। बाकी जो है हम इसके अभी इसकी हिस्टोपैथोलॉजी पे आ जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ माइक्स एडिमा इन थायराइड डिजीज, उसमें जो मेन फीचर्स है हाइपर केराटोसिस, फॉलिकुलर प्लगिंग, एकेंथोसिस, पेपिलोमाटोसिस, रेटिकुलर डर्मिस शोज सेपरेशन ऑफ कोलेजन बंडल्स बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ म्यूसिन, ठीक है। जो म्यूसिन डेपोजिशन होगी तो सेपरेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स होंगे, ये हम लोग जो है नेक्स्ट जो है पिक्चर में उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपर केराटोसिस नजर आ रही है, हाइपर केराटोसिस, फॉलिकुलर प्लगिंग्स, ठीक है, और जो कोलेजन फाइबर्स है वो म्यूसिन से सेपरेट हुए हुए हैं, लेकिन वो हमें सिर्फ जो एलशियन ब्लू स्टेन पे नजर आएंगे, वो ब्लू स्टेन होंगे, ठीक है। थोड़े से वो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स भी नजर आ रहे होंगे, जो हमने बोला कि म्यूसिन डेपोजिशन होगी, साइटोकाइंस वगैरह रिलीज होंगे, तो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट भी होगा, पेपिलोमाटोसिस होगी, एकेंथोसिस होगी, ठीक है। ये एलशियन ब्लू स्टेन है जिसपे म्यूसिन जो है वो ब्लू नजर आ रहा है सारा। फिर जो पेप्यूलर एंड नोड्यूलर म्यूसिनोसिस था इन कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, उसमें वही म्यूसिन की डेपोजिशन होगी रेटिकुलर डर्मिस में, ये ब्लू ब्लू जो सारा नजर आ रहा है ये स्टेन है ड्यू टू एलशियन ब्लू स्टेन की वजह से, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं म्यूसिन का, तो एक तो ब्लू कलर होगा उसका, म्यूसिन याद रखना है कि हिस्टोपैथोलॉजी में फॉलिकुलर प्लगिंग है जहाँ पे हाइपर केराटोसिस आई तो ठीक, लेकिन बाकी एकेंथोसिस वगैरह होगी से। डिजिटल माइग्जॉइड सिस्ट ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें जो है हमें मल्टीपल क्लेफ्ट्स नजर आएंगे और फाइब्रोब्लास्ट होंगे, सिस्ट है तो सिस्ट में जो है स्पेसेस होंगे, ये सारे क्लेफ्ट्स हैं, और एपिडर्मिस इज एकेंथोटिक एंड एट्रोफिक, ठीक है। इसमें एपिडर्मिस जो है इन्वॉल्व होगा क्योंकि फॉलिकुलर एपिथीलियम जो है उसमें म्यूसिन की डिपोजिशन हो रही थी, तो एपिथीलियम जो है उसकी एकेंथोसिस होगी। फिर पिंकस फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस है जिसमें म्यूसिन जो है वो डेपोजिट हो जाएगा इन द फॉलिकुलर एपिथीलियम, ठीक है। और एडवांस लीजन्स में जो है फॉलिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिस्टिक स्पेसेस, जो कि हमने बड़ा पढ़ा था उसमें कि टी सेल लिम्फोमा के साथ इसका एसोसिएटेड है, जबकि म्यूसिन डेपोजिट हो जाएगा इन दी फॉलिकल्स और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू सिस्ट, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे जो कि हिस्टियोसाइट, लिम्फोसाइट्स और वो सारे हमने इसकी पैथोलॉजी में पढ़ लिए थे। बस ये फॉलिकुलर एपिथेलियम में म्यूसिन की डिपोजिशन याद रखनी है, और इसके फॉलिकल्स जो है वो म्यूसिन डिपॉजिट होके उसको सिस्ट में, सिस्टिक स्पेसिस में कन्वर्ट कर देगा, और इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट भी जो है नजर आ रहा है आप लोगों को। बस यहाँ पे हमारे चैप्टर एंड हो गया, थैंक यू।